गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सुखों को छोड़कर दुनिया वालों को एक अपने पॉजिटिव थॉट्स यानी विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध, भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो आइए दोस्तों, अब हम महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ के बारे में कुछ अनसुने, कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध की मां माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के सातवें दिन ही हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सीधे वैशाली गए थे और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु आलार कलाम जी से शिक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्र कराम पुत्र था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश यानी शिक्षा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी। गौतम बुद्ध ने अपना सारा उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र के नाम से पुकारा जाता है। इनके सबसे करीबी शिष्य बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की आयु में उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर हुई थी। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो चार चीजों को देखा था, बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, शव और एक सन्यासी। बिना कुछ खाए पिए 6 साल कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तंभ बनाए गए थे। विश्व दुखों से भरा है, ये बात गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की पहली मूर्तिकला मथुरा में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म वालों ने सबसे ज्यादा मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया है। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अच्छी जानकारी चाहते हो तो बौद्ध धर्म पाली त्रिपिटक पढ़ो।